नमस्कार। आज 5 फरवरी 2021, ठीक इसी दिन 5 फरवरी 2020 को मैंने जो है ये डाइट शुरू किया था। 5 फरवरी 2020 को मैं प्रकृति से जुड़ा था, प्राकृतिक भोजन को करना स्टार्ट किया था। यही वो दिन है और आज पूरा 1 साल हो चुका है। और आज मैं लोग बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं, लोग मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, मैं आज डाइट एनिवर्सरी मना रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप सबको मनाना चाहिए। देखिए, 5 फरवरी 2020 ये वो दिन है, मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, जिसने मुझे लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन दिया है, जिसे मैंने पिछले 1 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया है मैंने। काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने झेला 1.5-2 सालों तक, और बहुत सारे डॉक्टर्स का विजिट किया, बहुत सारी मेडिसिन्स खाई, 2,000-2,500 टैबलेट्स 2,000 से 2,500 टैबलेट्स खाई है मैंने 1.5 साल में। एवरी डे 3 to 4 मेडिसिन, और हर पहले एक मेडिसिन, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। कोलेस्ट्रॉल की भी ऐड होने वाली थी रिसेंटली, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो है प्रकृति से जुड़े और प्राकृतिक भोजन को करना स्टार्ट किया, फिर उसकी ताकत को हम समझ गए, और वहाँ से फिर जो है आप लोगों के सामने है। तो मैंने कैसे कैसे शुरुआत किया था, आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो पाँच फरवरी 2021 को मैंने डिसाइड किया, 4 फरवरी को ही डिसाइड कर लिया था, और नेक्स्ट डे, और 4 फरवरी को ही शाम को मैं सारी चीज़ें खाने पीने की आइटमें सारी खरीद के ले आया, और उसके बाद मॉर्निंग में 5 फरवरी को मॉर्निंग में मैं केवल और केवल सैलेड ही खा के गया। और सैलेड में क्या क्या खाती है, इसमें कैरेट था, ठीक है, और इसमें खीरा था, ठीक है, और इसमें जो है टोमेटो, ठीक है। तो ये मैं उस दिन खा के गया, और कितना रिलैक्स्ड रहा दोपहर तक। मतलब कि मैं जनरली जो है इससे पहले 5 फरवरी 2020 तकरीबन 2-3 महीने पहले जो है मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट किया था। मैं ऑफिस जाता था तो वहाँ पे जो है 2-3 महीने पहले मैं पार्क में घूमता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पार्क में निकल जाता, उससे पहले मैं ऐसा नहीं करता था। ये एक चेंज मैंने लाया था अपनी लाइफ में, और मे बी शायद वहीं से जो है वो वहीं से प्रकृति से, शायद आप यूँ कह लें कि 2-3 महीने पहले ही मैं जुड़ गया था, लेकिन मुझे भोजन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। ये तो मुझे पता चल गया था कि जितना प्रकृति के करीब रहूँगा उतना मैं जो है, और वास्तव में मैं बढ़िया फील करता भी था, ठीक है। जब भी मैं पार्क में जाता था तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील होता था, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस मुझे नज़र आता था। मैं भोजन जो है, जो पकाया हुआ भोजन करके जाता था, जब वहाँ पे पार्क में जाके लेट जाता था, तो भोजन बहुत ईजी डाइजेस्ट भी हो जाता था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ गया था कि नेचर के करीब रहने का क्या जो है बेनिफिट्स हैं। तो फिर उसके बाद मुझे डाइट के बारे में भी पता चला कि खाने पीने को भी पूरी तरह से चेंज कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 24/7 कच्चा ही खाऊंगा, ठीक है। ये मैंने 4 तारीख को डिसाइड कर लिया, 4 फरवरी 2020 को ये मैंने डिसाइड कर लिया कि 24/7 मैं पका हुआ खाऊंगा ही, ठीक है, बंद, कुक फूड बंद। लेकिन अब और मैं यही चीज़ काट के पैक करके मैं लंच के लिए भी ले लिया, ठीक है, सेम चीज़ यही कैरेट खीरा टोमेटो, ठीक है, लंच के लिए भी यही सेम चीज़ ले गया। सुबह मैं खा के भी यही गया और लंच में ले भी यही गया, ठीक है। उसके बाद जो है
शाम हुई, ठीक है, ऑफिस से आ रहा था मैं शाम होते होते होते, तो देखी जी ये जो ये है ना, ये सीप इसको संभालना बहुत मुश्किल है, वेरी टफ सबसे, ठीक है, इसी से जीतोगे इसी से हार, ठीक है। तो शाम होते होते मैं हार जाता था और मैं घर में जो भी बनी हुई चीज़ें हैं मैं ले लेता था। जनरली शाम को मेरे घर में क्या बनता था, ठीक है, इवनिंग में दो किस्म की हम दालें खाते आए हैं शुरू से, ठीक है, एक तो ब्लैक वाली दाल जो जिसको उड़द बोलते हैं, ठीक है, एक दिन ये बनती है तो एक दिन मूंग का बनता है, ठीक है, ठीक है, ये दाल बनती थी प्लस चावल भी बनता है था और प्लस रोटी, ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। और काफ़ी साल मतलब जैसे कि 7 इयर्स तक तो मैंने जो है इन सब भोजन के साथ मैं एक गिलास जो है खाने के साथ ही मिल्क भी ले लिया करता था, ठीक है, ये 7 सालों तक मैंने किया है दूध, एक सुबह का भी जो है एक गिलास मिल्क और शाम को भी एक गिलास मिल्क लिया करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये भोजन मेरे घर में बनता था और इसको मैं खाता था, इवनिंग में जाते जाते मतलब मैं पस्त हो जाता था और मैं इसको खा लेता था, ठीक है। तो मान के चले कि तकरीबन मैं 1.5-2 महीने तक मैंने इसी तरह का भोजन किया है, ठीक है, मतलब कि ये सैलेड, ओनली सैलेड, ठीक है, नो फ्रूट्स, याद रहे फ्रूट्स नहीं खाया मैंने, 1.5 महीने तो फ्रूट भी नहीं खाया, सिर्फ सलाद, ठीक है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मैंने सलाद ही खाया शुरू में। और इवनिंग में जाके मैं ये घर में बना हुआ तड़के वाली दाल जो घर में बनता था वो खा लेते थे, क्योंकि पूरा दिन मतलब कच्चा खाते 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 शाम तक तो एकदम बस हो जाता था जी अब भोजन कर ही लो, ठीक है। तो उसके बाद भी ये चला, ठीक है, और फिर मैंने जो है यहाँ से अपना एक चीज़ और फिर मैंने ऐड किया, तो फिर मुझे मिलेट्स के बारे में पता चला इसके बाद, ठीक है, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर फादर सर को, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1.5 से 2 महीने उसके बाद ना लॉकडाउन चल गया, ठीक है, 21 उसको लॉकडाउन से पहले मैं आधा आधा किलो, ठीक है, हाफ हाफ केजी मिलेट्स, 2 मिलेट्स मंगाया था, मुझे याद नहीं है, एक शायद फॉक्सटेल था और एक शायद मेरे ख्याल बार्नयार्ड था, ठीक है, 2 मिलेट शायद यही है, यही तो आधा आधा किलो, सिर्फ आधा आधा किलो ये 2 मिलेट्स मंगा के मैंने लॉकडाउन में 21 तारीख को शायद लगा था, 21-3-2020 एक लॉकडाउन लगा था, इससे पहले मैंने मंगा के रख लिया था ऑफिस में, ठीक है, साथ में आधा आधा किलो ये मंगाया था और साथ में 1 kg मैंने वो मंगाया था ओट्स, ठीक है, ये मैं कहा कि अगर ये नहीं मेरे को डाइजेस्ट हुआ तो मैं ये खाऊंगा, ओट्स खाऊंगा, लेकिन मैं आगे राइस सॉरी इसको मैं जो है वीट को छोड़ दूंगा, ठीक है, वीट अभी छोड़ा नहीं था, ध्यान रहे, ठीक है। तो लेकिन पूरा दिन जो है कच्चा डाइट मैं रो डाइट करता था और मिल्क जो है फर्स्ट डे ही छोड़ दूध जो है पहले दिन से ही फर्स्ट डे से ही 5 फरवरी को ही मैंने दूध छोड़ दिया, ये ध्यान में रहा, उसके बाद मैंने दूध कभी सेवन नहीं किया, और अब अगर बीच बीच में भी पीता रहता तो मैं ठीक नहीं होता, बस इतना समझ में, ये सबसे बड़ा दुश्मन था मिल्क, ठीक है। तो उसके बाद भी लॉकडाउन चला, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने फिर ना मैं इस दौरान जो है ब्राउन राइस यूज किया करता था, ठीक है, ब्राउन राइस, ठीक है, और वो तकरीबन ठीक था काफ़ी। एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे ख़रीदने गया लॉकडाउन के दौरान, तो उसके पास था नहीं ब्राउन राइस, ठीक है, एक दो जगह और विजिट किया तो मिला नहीं, और फिर उसके बाद जो है तो मैं उस दिन कहा कि लाओ आज मिलेट बनाते हैं, ठीक है, आज मिलेट्स बना के देखते हैं कि कैसा रहता है, ठीक है। इसको भिगोना था, 8-10 घंटे भिगो दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने मिलेट्स बनाया। तो जब मैंने मिलेट्स बनाया और मिलेट्स को खाया, मैंने क्या देखा कि वो इतनी इजी तरीके से डाइजेस्ट हो गया कि गेहूं चावल की तो बात ही छोड़ दो, जो ब्राउन राइस खा रहा था उससे भी बहुत इजीली डाइजेस्ट हो गया, ठीक है।
और फिर मैंने देखा कि बॉडी में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया जब मैंने मिलेट्स को स्टार्ट कर दिया। और जब मिलेट्स को स्टार्ट कर दिया तो उस वक़्त में मिलेट में दाल भी मिलाया करता था, शुरू शुरू में मिलेट्स प्लस दाल, मिलेट्स में ही मैं दाल ऐड कर देता था, मूंग वाली दाल, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एसिड मेरी बॉडी में बनता था, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो हाइपर एसिडिटी, ठीक है, तंग हो जाता था एकदम, गैस पास ही नहीं होती थी, ठीक है। और ये दो चीज़ें हो गई, एसिडिटी और गैस, और पेट फूलता था, ठीक है, पेट फूलना, ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम्स होती थी। पेट फूल के ऐसे डब्बा हो जाता था शाम को 4-5 बजे, उसका फिक्स टाइम था कि फूल था, ठीक है। और चौथी जो चीज़ है वो थी ये थायराइड, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, थायराइड की समस्या थी, उसकी गोलियां मैं खा रहा था उस टाइम। और उसके बाद जो है ये चौथी चीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था मेरा, ठीक है, गोली नहीं खा रहा था लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, ठीक है, मेरा, ठीक है, 200 को पार कर गया था उस टाइम। डाइट शुरू करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो गैस की समस्या सॉल्व हो गई थी, पेट फूलना भी बंद हो गया था, एसिडिटी रहती थी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत था, काफ़ी मान के चले कि 30% था, ठीक है, 70% तो मुझे आराम मिल गया पहले दिन से ही, पहले दिन से एसिडिटी एकदम नीचे, फर्स्ट डे जब मैं 5 फरवरी को खा के गया था दूसरा दिन, ठीक है, लेकिन 30% अभी रहती थी। अब मैंने क्या किया, अब देखिए, ठीक, अब मेरी डाइट क्या थी, और ये कच्चा था, ठीक है, और पूरा दिन कच्चा, रात में मिलेट प्लस मूंग की दाल इसमें डालता था, ठीक है। फ्रूट्स भी मैं ऐड कर चुका था, ठीक है, 1-1.5 महीने बाद मैंने फ्रूट्स लेना ऐड शुरू कर दिया था। तो शुरू में मैं ना फ्रूट्स जो है वो दो दो तीन तीन फ्रूट्स भी ले लेता था कई बार। तो मैंने नोटिस किया कि नहीं, दो दो तीन तीन फ्रूट्स जो है बॉडी को शूट नहीं करता है, ठीक है, आप लेना चाहे तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक ही फ्रूट। और उसमें भी मैंने खुद से ही सीखा, उसमें भी जिसमें ज़्यादा पानी हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा रस हो, वही फ्रूट सबसे बेस्ट है, सबसे पहले वही खाना चाहिए, बाकी के फ्रूट्स आप बाद में खा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मेरा जूस है, ग्रीन जूस, ये रह गया थोड़ा सा, इसको भी पी लें। सुपर डुपर हिट है ग्रीन जूस, पालक टमाटर आंवला, इसको मिस मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है। डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि इसमें सारे विटामिन हो, ए से लेकर जेड जितने विटामिन हैं, विटामिन डी जो भगवान सूरज ही दे रहे हैं, ठीक है, और विटामिन जो B12 जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया बनाते हैं उसको छोड़ के, सारे विटामिन है इसके अंदर, ठीक है। अब विटामिन है तो डॉक्टर लोग रिकमेंड क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, शायद उनके हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे इसलिए, खैर चले, डॉक्टर तो मना कर देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, इसको मिस मत करना बस, ठीक है, इसको ज़रूर लेना है अपने, मॉर्निंग में सबसे पहली चीज़ यही जाएगी आपकी पेट में, ठीक है। सो हाँ, तो उसके बाद मैंने नोटिस किया और मैंने कहा अब इसको इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको लेस कर देते हैं, ठीक है, मूंग दाल को हटा देते हैं और सिर्फ मिलेट्स ही खाते हैं। और जैसे ही मैंने मूंग दाल को हटाया, मेरी एसिडिटी हो गई जीरो, आप या यूँ कह लें 10% रह गई, ठीक है, 10%, क्योंकि 10% का भी एक ना रीज़न है, वो मैं बताऊंगा अभी, वो 10% जो रह गई है वो किस वजह से रही है, ठीक है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 20% और बेनिफिट्स यहाँ पर एसिडिटी में हो गया मुझे, ठीक है। और थायराइड की गोलियाँ मैंने 15 दिन बाद बंद करनी शुरू करती थी, ठीक है, और हार्डली मतलब कि मैं अगले 20 या 1 महीने के अंदर मैंने टोटली गोली बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने का तरीका मैंने ऐसे अपनाया कि जो है 6.5 mg जो भी है एक दिन कम कर दो, अगले दिन मान लो जैसे 100 mg खा रहा हूँ, अगले दिन -6.5 mg, ठीक है, और फिर अगले दिन फिर 100 mg, फिर अगले दिन फिर -6.5 mg, ऐसे ऐसे करके, तो एक हफ्ते में मैं जो है इस तरह से जो भी है 6.3 something रिड्यूस कर देता था, ठीक है, या यूँ कह लो कि 12.5 जो भी है आप समझ ही जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको रिड्यूस करना है, ऐसा नहीं कि हमने डाइट शुरू कर दिया अब एकदम से मेडिसिन जो है छोड़ ही देना है, आपकी
जो है कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ताकि बॉडी को पता ना चले, ठीक है। बॉडी को पता एकदम से छोड़ देंगे तो बॉडी तुरंत वो हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव मोड में आ जाएगी, और फिर आप जो कहेंगे कि जी रो डाइट ख़राब है, नेचर ये वो, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे, माइनर माइनर, थोड़ा थोड़ा मेडिसिन जो है आपको रिड्यूस करना है, बहुत रिड्यूस, कि बॉडी जो है करेक्ट होती जाती है और उधर की गोलियाँ आपको छोड़ती जाती हैं, बहुत, ठीक है। सो अब ये मेरी एच डी यहाँ पर रिड्यूस हो गई 20%, 10% जो बचा इसका कारण था वाटर, पानी, ठीक है। और इसको भी मैंने धीरे धीरे जो है आप सबको बताया ही है कि मैं जो है, मेरे पास जो है एक बहुत बड़ा जो है जग है, उसमें रात को मैं पानी उबालता हूँ, ठीक है, और उस तांबे वाले में फिर पानी डाल के रख देता हूँ, और सुबह फिर जो है मैं अभी महीने डेढ़ महीने से, एक महीने से मैं पानी जो है एक लोटा पानी पीता हूँ, ठीक है। पहले मैं इससे पहले डायरेक्टली मैं ग्रीन जूस ही लेता था, ठीक है, पानी नहीं पिया मैंने, ध्यान रहे कि मैंने शुरू से लेके जिस 5 फरवरी से लेके, ठीक है, मैंने अभी तक, अभी पिछले महीने तक लगा लो कि मैंने पानी पिया ही नहीं है, ठीक है। बीच बीच में कभी प्यास कुछ लगता था तो वैसे पानी पी लेता था, अदरवाइज सारा का सारा मेरा वाटर जो है वो पानी के थ्रू नहीं बल्कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू ही आता था, ठीक है। और अगर मैं पानी पीता रहता तो शायद, क्योंकि पानी हमारे का इतना बहुत अच्छा नहीं, तो मैं दिक्कतें तक झेल रहा था, ठीक है। तो पानी और मिल्क तो बिल्कुल छोड़ ही दूँ, और दूध, पानी जो है वो आवश्यकता के अनुसार आपकी बॉडी मांगती है तो ही देना है, ऐसे नहीं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में पानी ही पानी है, ठीक है, सब कुछ। तो ये तो रही थी यहाँ तक, अब मिलेट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, ठीक है, लॉकडाउन के बाद 21 मार्च के बाद, आई थिंक 10-12 दिन बाद मैंने मिलेट्स शुरू कर दिया था खाना, और उसके बाद मैंने सारे मिलेट्स मंगा लिए धीरे धीरे करके, ठीक है, 5 मिलेट्स मैंने खाना शुरू कर दिया। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे मिलेट्स मैं बनाता कैसे था उस टाइम पर, ठीक है। देखिए, मिलेट भिगो के रखने के बाद मैं जो है मिलेट को पहले मैं स्टील के बर्तन में बनाता था, ठीक है, स्टील के बर्तन में, ठीक है, तांबे तुबे वाला क्या बोलते हैं इसको, अल्मोनियम का इस्तेमाल नहीं करना, अल्मोनियम है तो उसको फेंक दो, अल्मोनियम नहीं बनाना, ठीक है। स्टील के बर्तन में उस टाइम पे मैं बनाता था मिलेट, इसमें डालता था 1 टमाटर, ठीक है, और 2 लहसुन, ठीक है, 1 या 2 कल बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है, और 1 स्पून जो है इसमें मैं सरसों का तेल डालता था, ठीक है, कच्ची खाने में, बस ये इतना सा चीज़ मैं इसमें डालता था, ठीक है, और इसी यही मैंने खाया है पिछले, मान के चलो कि जो है 8-9 महीने सिर्फ मिलेट, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्लस मिलेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया, मान के चलो कि मैंने तपस्या किया है 8 से 10 महीने, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मिलेट एकदम ज़बरदस्त मज़ेदार बनता था जी, पूरा टेस्ट आ जाता था, ठीक है, तपस्या भी नहीं कह सकते, ठीक है, तो इसका इन्वायरमेंट तो हमने किया ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है बॉडी जो है धीरे धीरे करेक्ट होते 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 तकरीबन 8-9 महीने की डाइट के बाद एकदम पूरा एकदम जो है सेट हो गया। और अभी करंटली मैं जो डाइट कर रहा हूँ, फिर मैंने मिलेट्स को धीरे धीरे करके 2 टाइम भी किया, और अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं 3 टाइम मिलेट्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैं जो है ये ग्रीन जूस लिया अभी जैसे 1 मिनट, इसको भी ज़रा पी लें, अभी एक मॉर्निंग में ले रहा हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में, और दूसरा जो है लंच में भी मैं ले रहा हूँ मिलेट, ठीक है, और तीसरा जो है मैं जो है रात में भी लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टाइम ले रहा हूँ। अभी मिलेट्स मैं बनाता कैसे हूँ ये मैं आपको बता दूँ। अभी मिलेट्स में सिंपल चावल की तरह पका देता हूँ, उसमें कुछ नहीं डालता, कोई नमक हल्दी कुछ नहीं डालता, ठीक है। मिलेट्स पकाता हूँ, साथ में मैं घर में मिलेट्स खाने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, बाकी सब लोग मेरे घर में वही खा रहे हैं, ये चावल, ठीक है। सो
तो मिलेट्स के साथ मैं एक जो है आलू डाल देता हूँ, ठीक है, एक आलू डालता हूँ और तकरीबन इतना जो है इसी में इतना जो है मटर डालता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ ये पक जाता है। फिर मैं साथ में जो है सरसों के तेल के साथ जो है मैं तड़का लगाता हूँ, ठीक है, और इसमें फिर मैं साथ में कुछ चुने हुए हाथों अपने मतलब कि खड़े मसाले यूज़ करता हूँ और उसके साथ मैं फिलहाल ये खा रहा हूँ। ध्यान रहे कि मैंने 8 महीने तक मसाला और तड़का यूज़ नहीं किया है, 8 से 10 महीने तक केवल और केवल सिंपल मिलेट्स खाए हैं, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पूरी तरह से फिट हूँ, फाइन हूँ, ठीक है। सो बहुत चूज करके मसाले जो हर्ब्स, ठीक है, दीपन का काम करते हैं, ठीक है, उनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। जीरा वगैरह बहुत दिक्कत करता है, मैंने देखा है, जीरा मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है इसमें। तो आलू बहुत गैस बनाना है, आपको आलू इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन अभी क्योंकि आई एम फिन फिट एंड फाइन तो मैं आलू जो है अभी खा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन सब बातों का ध्यान देना है, दोनों गोभी आपको नहीं खानी है, ठीक है, और आलू नहीं खाना है आपको, आलू और मूली नहीं खानी है, ठीक है, ये सब गैस बनाती है और गैस ही सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है। और जीरे जूरे का इस्तेमाल नहीं करना, पर जीरे जूरा तो आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि अभी मसाला आपको खाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये डाइट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग में मेरा एक ब्लू जूस होता है, एक फ्रूट्स होता है, एक फ्रूट लेता हूँ, उसके बाद मैं मिलेट्स खाता हूँ, ठीक है। मैं जो है शाम को 5 बजे, अभी 2 महीने पहले तक तो फ्रूट्स लेता था, 1.5 महीने तक कोई फ्रूट्स, जनरली मैं शाम को ये लेता था अपना क्या कहते हैं 2-3 केले लेता था, ठीक है, 2-3 केला लेता था शाम को 5-6 बजे, मुझे भूख लगती है, ठीक है, और कभी कभार, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू इंटरमीडियंट फास्ट, ठीक है, प्लीज मतलब कि शाम को 3 बजे खा लिया तो फिर उसके बाद जो है 7-8 बजे ही खाना है, ठीक है। इस तरह से एक बढ़िया सा गैप हो जाता है और कोई बॉडी को आराम भी नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी जो है 2-3 महीने से जो है मूँगफली भी खा लेता हूँ, ठीक है, तो मूँगफली भी खा लेता हूँ और गुड़ के साथ, ठीक है। ये सब नहीं खाना है आपको, ठीक है, ये केला तो आप फिर भी खा सकते हैं 5-6 बजे, मगर ये मूँगफली मूँगफली तो आपको नहीं खानी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मैं अभी करंटली क्या चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं टोटली फिट हो चुका हूँ, ठीक है। अब अभी तक तो मेरे बॉडी को हीलिंग मोड पे रखा हुआ था 7-8 महीने, लेकिन अब जो है थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई दूसरे मोड पे ले चले इसको, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी कोई नहीं है अपने को, ठीक है, ऐसे ही हैं पतले और ऐसा ही शरीर मुझे पसंद है, ठीक है। कई लोग कमेंट करके भी जाते हैं आप बहुत पतले हैं ये वो, मैं परवाह नहीं हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को भी कई लोग डिस्करेज करेंगे, अरे आपका तो वजन चला जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उनके चक्करों में नहीं आना। 5-6 महीने की वीडियो आप उठा के मेरी देखेंगे तो एकदम ऐसे हूँ, ठीक है। तो लेकिन कई लोग बोलते थे तो मैं परवाह नहीं मानता था, मैं कहता यार मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, ठीक है, आपके कहे अनुसार थोड़ी चलूँगा, अगर आपके कहे अनुसार चलता मैं तो आज मैं ठीक नहीं हुआ होता, ठीक है। तो किसी की परवाह नहीं मारनी, नेचर के साथ जुड़ जाना है, प्राकृतिक भोजन करना है, ठीक है, और बस इसी से आप जो है पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, ठीक है। दूध बंद कर देना है, दूध और दूध से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट, ठीक है, मसाला, ठीक है, गेहूँ चावल दाल तीनों बंद कर देना है, ठीक है, गेहूँ, ठीक है, चावल दाल, दाल बहुत ऐसी बनाती है, बता दूँगा, दाल बहुत ऐसी बनाती है, ठीक है। मैंने दाल को बंद किया तो मेरी अश्विनी जी का मतलब कि गए भी तरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें मसाले मसाले कुछ नहीं खाने हैं आपको, ठीक है, मिलेट सिंपल मिलेट खिचड़ी की तरह बना के खाना, उसमें कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो नमक और वो चीज़ें डाल सकते हैं, नमक और जो है वो क्या बोलते हैं इसको, जो अपना हल्दी, ठीक है, वो चीज़ें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें जी, थोड़ा बहुत जो है आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी किया करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, ठीक है, मॉर्निंग में ब्रेन यूज लेने के बाद जो है आप एक्सरसाइज करें। सो आई होप इस वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।